मेरे दोस्त नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। वही लीजिए लीजिए मेरे दोस्त, ये बच्चा लीजिए और 25,000 रुपया दीजिए। दोस्त शोला सिंह, इस बच्चे का कत्ल आपको ही करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जाओ दोस्त, जहाँ पर चंपा महल भर रहा है मेरे मंत्री जी के साथ जाओ, वहाँ पर इस बच्चे का बलिदान कर देना। वापस आने के बाद आपको खजाने से 25,000 रुपए और दिया जाएगा। इसकी जान लेने के लिए 25,000 रुपए। पूरे 50,000, पूरे 50,000, पूरे 50,000। मंत्री जी, चलकर वो जगह दिखलाइए जहाँ पर बच्चे का बलिदान होगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। जाइए महामहिम का महल दिखा दो। दोस्त नमस्ते। बच्चे का बलिदान हो जाएगा, महल का गिरना बंद हो जाएगा। मंत्री जी, जी बोलिए, वो कौन सी जगह है जिस जगह पर बालक का बलिदान होगा? सोला सिंह, देख रहे हो, यही महल है, इसमें बनाते हैं। पता नहीं बात क्या है, गिरा जा रहा है। देखो, वास्तव में सब तहस नहस हो गया है। देखो, इतनी सी जगह है, जहाँ भी जी कहे वहीं बलिदान कर सकते हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या बात है? रुक जा मेरे भाई। क्या रुक जाऊं? तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कौन सी बात है? बात यह है कि जिस बच्चे का बलिदान करने जा रहे हो, वो बच्चा मुझे दे दो मेरे भाई। मैं आपका एहसान ता जिंदगी नहीं भूलूंगा, बहुत बड़ा एहसान होगा। और सुनिए, रही बात पैसे की, आपने महाराज की तरफ से 50,000 रुपए पानी के लिए वादा किए हो, लेकिन मैं इस वक्त में 60,000 रुपए दूंगा। ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मंत्री जी, मैं इस बालक का बलिदान नहीं करूंगा तो कुछ नहीं बनेगी, बाद में मेरी कयामत आ जाएगी। मैं इस बालक को नहीं दूंगा, इसको यमपुर पठाना मुझे आज है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। सोला सिंह घबराओ नहीं, ये जिंदा रह जाएगा, रास्ते का कांटा हो जाएगा। देखो, डरने की बात नहीं है, तुम डर रहे हो कि अगर बच्चे का बलिदान नहीं होगा तो ये महल नहीं बनेगी। जी हाँ। देखो, मैं एक बात मैं बताता हूँ, बच्चे की बात करते हो, ये बच्चा मुझे दे दो। इस बच्चे के एवज में मेरे पास एक छोटी बच्ची है, उसका बलिदान कर दो, इसमें मेरी बच्ची का बलिदान भी हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा और इस बच्चे की जान बच जाएगी। बोलो क्या राय है? आप कितने रुपये देंगे? मैं तुम्हें 60,000 रुपये दूंगा। 60,000, 60,000 और 50,000, 110,000 रुपये। बोलो। मुझे मंजूर है मंत्री जी। मंजूर है? वो अपनी बच्ची लाइए। ठीक है, बच्ची लाइए, बहुत जल्द लाइए, लाइए बहुत जल्द लाइए। मेरे भाई, ये मेरी बच्ची है। वाह भाई वाह, लड़की तो खूबसूरत है। ठीक है ठीक है, ये लीजिए बच्चा, ये बच्चा लीजिए और बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ये लीजिए 110,000 रुपए, 110,000 रुपए। बोलिए मंत्री जी, यहीं पर बलिदान कर दूं? Oh!
मंत्री जी चलकर रुपया मुझे दीजिए, बहुत चल चल गए। आओ आओ मेरे साथ आओ। हेलो अब मैं चल रही हूँ महाराजा भंवर सिंह से कोठी महल अटारी पूरी जायदाद में नाम करा लूंगी और भंवर सिंह को लाठ से ठोकर लगाकर नाक से भगा दूंगी और आरंभ में हमारे 16 सिंह ऐसो आराम करेंगे। आओ मेरे पास। क्या आओ चंपा मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं तेरा राजा भंवर सिंह तेरे पास। क्या किया हो मेरे लिए? बस मैं तेरा राजा, मैं तेरा राजा। चंपा तुम चाहती क्या हो? अरे पगले अब तो ये कोठी महल अटारी सब कुछ तेरी हो गई ने? कैसे हो गई? जब तक हमारे नाम नहीं हो जाएगी कैसे हो जाएगी? हाँ कैसे हो जाएगी? हाँ बस इतनी छोटी बात के लिए तुम नाराज हो? आज ही इसी वक्त मैं ये कोठी महल अटारी सब तेरे नाम लिखता हूँ। लीजिए मेरे राजा मजबूत तैयार है, बस इसे दस्तखत बना दीजिए बस। नहीं मेरी रानी, ये सारी जायदाद सारी मिल्कियत कोठी महल अटारी मैं तेरे नाम लिख रहा हूँ। आज से इस महल की महारानी चंपा। मैं हने अखिया कजरा मर भाई सबकी मरिया नजरा कोई कहाँ करी है, कोई कहाँ करी है। ये लो मेरी रानी लो। वो चंपा याद आया क्या? मेरे दरबार में एक मेरे बहुत पुराने दोस्त आए होंगे, मैं उनको बुलाया था, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तत्काल तेरे पास आता। क्या चल दिया ना अम्मा चले 16 सिंह के पास खाई पिया के कमती हुई है लब कर जकार के लब कर जकार के जकार के हो लब कर जकार के ए, पैसा भेजी है हमरा भतरा वही जी रखे हमरे खतरा कोई का करी है। अरे मेरे राजा यहाँ कैसे आई? सितारों की चंदा मेरी गुलबदन तुम बहारों की नंदा इसलिए आई हूँ मेरे राजा आपको अपने साथ लिवा चलने के लिए राज दरबार में। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? अभी राज दरबार में जाने का मेरा अधिकार क्या है? क्या कोठी महल अटारी सारी जायदाद सब मेरे नाम हो गई मेरे राजा? ये सब गलत बात है। कैसे गलत बात? क्या सबूत है? है है। दिखलाइए। ये लो अंदर अंदर है मेरे राजा, आप डाल के देखो। अरे बाप रे। समझदार हो, मैं सोचा था जो हो गया मैं भंवर सिंह के पूरी जायदाद का मालिक हो गया, अब मैं राजा भंवर सिंह बनूंगा और तुम कमला रानी बनोगी। आओ सबसे पहले ऐसा आराम किया जाए।
साथ में घाट मेरे कमाते हुए कुछ न सोचा बिचारा, अरे नीच तू चंपा प्यारी को अपनी बनाते हुए। बस खबरदार भवर सिंह दोबारा रोक लो, भाग जाओ सामने से इस घड़ी, रार मुझसे अगर ये बनाया गया मुझको अपनी दिखाओ न आंखें बड़ी। कहने से पहले अगर तूने मरने को तैयार हो जाएगा, बेफिकर होके खंजर चला दूंगा मैं स्वर्ग, सीधे टिकट भी नहीं चला जाए। अरे पगली तू पागल हो गई है, तू मेरी रानी है, इसके पास क्यों जा रही है नालायक? खबरदार अभी बंदर ऐसी शक्ल लेके आया मुझे रानी बनाने। अरे पागल तू पागल हो गई है? तू पागल हो गया? खबरदार अगर मेरे पति को कुछ कहा तो, अगर मेरी नंदा को कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। ए सोरा सिंह हरामखोर, साले मेरा नमक खा के। खबरदार अगर मेरे पति को कह दिया हरा में काल के रख दूंगी। अब इस महल में तुम्हारे रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस राजमहल का सोलह सिंह मालिक हो गया है। और मैंने तेरे कहने सपने लक्ष्मण जैसे भाई और सीता जैसे रानी को इस महल से निकाल दिया। अरे जैसा रंडी तबाया, मैं नहीं जानता था तुम मेरे साथ इतना काम करोगे। उठा ले तेरे तन बदन में कीड़े पड़ जाएंगे, नालायक नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा, नर्क की खान नर्तकी ठंडी बेशिया। मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को भगा दिया। अरे वन विभाग आरएस कर लो और ले जाओ 12 नंबर जेल में डाल दो, जेल की ठंडी ठंडी हवा खाओ। नालायक जो मैं सोचा था वो हो गया। क्या बात है, क्या हुआ, क्या बताऊं? सपने ऐसी देखी हूँ मेरे राजा, जब हम आप सोए थे जो महाराज बच्चा कत्ल करवाए थे, आंख मेरे सामने खड़ा हो गया और हमें पकड़ के मुझे मारने लगा। मेरी रानी, तेरा सपना सच्चा हो सकता है? सच्चा? क्योंकि बालक अभी जिंदा है। अरे मैंने बालक को मंत्री के हाथ बेच दिया हूँ। ऐसा करो मेरे राजा, मंत्री के पास जाओ, उस बालक को मेरे सामने लाओ, उस रामजादे को कत्ल कर दो। अच्छी बात है, मैं इसी वक्त जाता हूँ, मंत्री से बच्चा छीन कर लाता हूँ। मेरी बंदूक लाओ, बंदूक लाओ, बंदूक क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, नमस्ते, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। मंत्री जी राम राम। राम 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 राम। कहो सोला सिंह, कैसे आना हुआ? बोलो। अरे मंत्री जी, जो बच्चा था मैं तुझको दिया, जल्द से जल्द बच्चा मुझे दीजिए, आना कानी के चक्कर मैं पढ़ना
नहीं, 16 सिंह जो कहे इतना कर जाए। जो बच्चा मैंने तुमको दिया था वो बच्चा हाजिर करिए। 16 सिंह, ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। 16 सिंह, वो बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझसे 60,000 रुपया लिए हो, इसलिए बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लो। क्या कहा, बच्चे को नहीं देगा? नहीं। अरे हम मारते मारते तो उसको बेकार कर देगा। 16 सिंह बेवकूफ, मुझसे 60,000 रुपया लिए हो, ठीक है मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरी लड़की को वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें बच्चा नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लो। फिर कहने का मतलब कि तुम बालक को नहीं दोगे? हाँ। मानो कि तेरी मौत तेरे सर पर चकरा रही है मंत्री जी। हम तेरे मौत का सौदागर हूँ साले, आज मैं तुझको उस जगह पर भेज दूंगा जहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। 16 सिंह लाख के देवता बात से नहीं मानते, उससे पैसा भी लिया। और आज मैं तेरा गला खोल दूंगा मंत्री, या तो बच्चा हाजिर करिए। 16 सिंह मेरी जान ले ले, लेकिन मैं बच्चा वापस नहीं करूंगा। तेरी मौत हस हस कतराएगी। 16 है भी मेरी भाभी का बच्चा, बताओ कहा मेरे नूरे नजर को है क्या कर दिया, जहां रखा है चलकर दिखाओ। भाभी का बच्चा इस वक्त कहां पर है? हराम खोर बता दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जानता बच्चा बच्चा कोई, न तो बच्चे को कहीं पर छुपाया हूं मैं, अपना हक में गुस्सा दिखाते मुझे साफ, इस वक्त तुमसे बताता हूं। कुंवर सिंह, मैं बच्चे को नहीं जानता हूँ, बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। कैसा बच्चा, कैसा बच्चा है? कैसा बच्चा? जी हाँ। मेरे भाभी का बच्चा कहाँ पर है? साफ साफ बोल। मैं तुम्हारे भाभी का बच्चा नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानता है? नहीं। 16 सिंह, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि मेरे भाभी का बच्चा कहाँ पर है? कुंवर सिंह, मैं भी अंतिम बार बतला रहा हूँ, बच्चे के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या मेरे भाभी का बच्चा नहीं बताएगा? नहीं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। नंबर एक, नहीं। और नंबर दो, नहीं। नंबर आजा फेंक दे इला। हाँ क्या बताया? मैं तो गुस्से में इसे गोली मार दिया। मैं भाभी जी से वादा किया था कि भाभी जब तक मुन्ने को मैं आपके सामने लाकर हाजिर नहीं करूंगा तब तक मैं आपके सामने मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं भाभी के पास जाकर के कौन सा मुंह दिखाऊंगा? इससे अच्छा है मैं खुद ही अपनी कंपनी पर गोली लगा करके वहां पर 16 सिंह से पूछूंगा। नंबर एक और नंबर दो, क्या कर रहे हो? बच्चे के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो? हाँ मंत्री जी। नहीं, मैं भाभी जी से वादा किया था कि भाभी जी जब तक मैं मुन्ने को लाकर हाजिर नहीं करूंगा तब तक मैं आपके सामने मुख नहीं दिखाऊंगा। नहीं ऐसा ना करो, बच्चे के लिए तुम जान दे रहे हो? जिस बच्चे के लिए जान दे रहे हो वो बच्चा मेरे पास है। अगर तुमने भाभी से वादा किया है इस वक्त मेरे साथ चलो, वो बच्चा मैं तुम्हें दूंगा। क्या मंत्री जी? चलो अपने भाभी को दे दें। मेरे भाभी का बच्चा आपके पास है? हाँ छोटे मालिक। मेरी मत करिए मंत्री जी, चलिए मेरी भाभी बच्चे के लिए बहुत परेशान है मंत्री। आओ मेरे साथ आओ, आओ जल्दी आओ। मेरे राजा मेरे ला
कहा मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढू मैं कहा मैं कहा देखो देवर क्या बात है भाभी ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला और कैसे मिला भाभी ये बच्चा मुझे मंत्री जी ने दिया है भाभी मंत्री जी ने दिया है जी हाँ भाभी मंत्री जी मतलब महारानी जी ये ना पूछो कि बच्चा कहाँ मिला और कैसे मेरे पास रहा। देखो अब तो बच्चा मिल गया है लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है मंत्री जी? दुख यह है कि जिसके लिए महारानी दरबार के ठोकर खा रही हैं वो रंडी जो है चंपाबाई जो है महाराज से सारी वसीयत अपने नाम लिखवा लिया है। क्या मंत्री जी? और जो है महाराज को इस वक्त बंदी गृह में रखे है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ उनको जेल में बंद किए है। चलो मेरे साथ चलो सबसे पहले महाराज को छुड़ा जाए उसके बाद फिर मैं बाद में बताऊंगा। चलिए मंत्री जी ये मेरे भैया जेल में है तो मैं उनके पास जरूर चलूंगा। मंत्री जी चलिए चलो आओ आओ भाई कहाँ रहता है बांध दे खम्मे में हरामी को बांध दे। अरे घबरा नहीं कल हमारे 16 सिंह का राज तिलक होगा और उसी खुशी में दो दो किलो रसगुल्ला खिलाऊंगी समझ लेना। क्या अरे नालायक घबराना नहीं उठना नहीं कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा हेलीकॉप्टर से